तो दोस्तों क्या पढ़ना है आज? हाँ, सो जा, सो मत जियो भाई। ओ भाई सो मत जियो, मैं तो लेटा लेटा सा रहता है ना। नहीं, ये लेट रहा था ये, है ना। राइट, सो मत जाना सारे के सारे बालक। सोगा तो सर, सोगा छोड़ा फिर मच्छर मारने की मशीन शुरू कर दी है ना। इधर ध्यान दो, एग्जाम में निकलने काम, एग्जाम बैठ के मक्खी मार रहा हूँ। सुनो इधर, सुबह की बात करते हैं। देखो जैसा नाम वैसा काम, क्या लिखा है इस पर? सेल्स ऑफ गुड एट। तो भैया सेल्स ऑफ गुड एट बहुत ही छोटा था, है ना। आने वाले एक्ट क्या है सर? छोटे 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 एक्ट है ना। सेल्स ऑफ गुड एट बेचारा बहुत ही छोटा था। सेल्स ऑफ गुड एट कह रहा है बहुत ज्यादा कट रहा है, एक दिन बहुत ज्यादा कट रहा है। सेल्स ऑफ गुड एट किस पे कट रहा है? सेल्स ऑफ गुड एट बताओ। पापा, अपने पापा पे, है ना। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है बताओ इतने दिन लगा दिए मास्टर जी ने तुम्हारे साथ, है ना। ऐसे बोल रहा है वो किससे? कॉन्ट्रैक्ट से, है ना। इतने दिन लगा दिए मास्टर जी ने तुम्हारे साथ, है। और वेल, कितने नंबर, कितने नंबर? हाँ, 30-35 के बीच में, है ना। अगर 24 भी लगा लो तो चलो, है ना। राइट, और मुझे जब बालक पढ़ेंगे तो पता लगा, अगर रोज पढ़ा दे तो एक हफ्ते में ही खत्म। रोज पढ़ा दिया तो एक हफ्ते में खत्म। और मुझे जब बालक पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद कितने नंबर? 20 तक भी आ सकते हैं, चॉइस मिला के चलो, चॉइस में भी आ गए। तो मतलब इतने महीने तुम्हारे साथ लगा दिए, है राइट। और बेटा इतना तेज निकला कि क्या हो जाएगा सर? हाँ, हफ्ते में ही 20 नंबर, और इतने महीनों में आपके साथ कितने नंबर, है ना, 30-35 नंबर। उसमें से पता नहीं लिख पाए ना लिख पाए, मिले ना मिले, है ना। दुनिया बड़ी खतरनाक है, आई चाहे वैसे खतरनाक है ना। तो भैया इतनी इतनी बेइज्जती कर दी, तो भाई बताओ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने क्या बोला होगा? ओ भाई क्या बोला होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने? कॉन्ट्रैक्ट ने बोला भाई एक बात याद रखियो, एक पिक्चर आई थी आज से बहुत साल पहले, सनी देओल की। कौन सी? सनी देओल की। कौन सी पिक्चर? गदर। ना ना, टू नहीं, पहली वाली। उसमें एक डायलॉग मारा जाता है ना, राइट। कौन सा फेमस डायलॉग है? मैं ढाई किलो का हाथ। हाँ, नहीं, उससे एक और डायलॉग है, तो ये होता हिंदुस्तान जिंदाबाद, है ना, राइट। एक और डायलॉग मारा जाता है, एग्जाम दिया था इनने पिक्चर। हाँ, ये वाली बात। तो उसमें डायलॉग मारा जाता है ना, राइट। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ठीक है। हाँ, इसी का ही है। तो भाई ये डायलॉग दिल पे लगी बात, ये डायलॉग किसके दिल पे लगी? आईसीआई के नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने है ही नहीं, आई नहीं यूट्यूब पे। ये तो भाई रील आ गई, रील। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, है ना। ठीक है, है ना। तो भाई ये डायलॉग किसने मारा सर? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ने मारा, है ना। कॉन्ट्रैक्ट ने क्या बोला सेल्स ऑफ गुड एट से? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बताओ क्यों बोला ऐसा? अब तो अंदाजा लगा सकते हो। ये रहा भाई, हिंदुस्तानियों का पीछा मत करना, नहीं तो तुम भी अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। क्या मतलब? मेरा मतलब बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, नहीं सुनते? अरे भैया, बेटा बाप में से तो निकलता है ना, ये तुम्हारा पाकिस्तान निकला तो हिंदुस्तान में से है। ठीक है, ये डायलॉग अब तो समझ गए। क्या समझे बताओ? अब पाकिस्तान के बॉर्डर पर चिल्लाने मत लगना, यहाँ क्या समझे? ना, हाँ, है ना। बेटा बाप से निकलता है तो कह रहा भाई, ये जो बेटा है ना सेल्स ऑफ गुड एट, वो कहाँ से आया है? अब देखो प्रूफ करता हूँ। जब हमने पढ़े सेक्शन, हमने कहाँ तक पढ़े? सेक्शन 75 तक पढ़े, है ना, याद है। 73, 74, फिर 75 इस बात की इजाजत देता है कि किसी के साथ धोखा हुआ हो तो वो केस कर सकता है। 75 तक तो पढ़े हमने, 75 के बाद 124 से शुरू होता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन से शुरू होते हैं? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा।
है ना। तो तुम कुछ बच्चे सोचेंगे सर कॉन्ट्रैक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों नहीं जोड़ दिया भाई, जब पढ़े रहते तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा देते। ये जो बीच के सेक्शन है, कौन सेक्शन 76 से लेकर 123, ये जो बीच के सेक्शन हैं ये कहां गए बोलो, ये कहां गए? नहीं भाई, अरे अरे नहीं रहा, ये कर दिए गए डिलीट। बताओ ये डिलीट हो गए, क्यों डिलीट हो गए? क्योंकि जब सेल्स ऑफ डेट का जन्म नहीं हुआ था, है ना, जब बेटे का जन्म नहीं हुआ था तो पिताजी गुड्स के बारे में इन सेक्शन के तहत बात किया करते थे। फिर बच्चे तुम्हारी तरह नालायक थे, एक नंबर के निकम में मुंडी भी ला रही, हाँ मेरी तरह तो है ही, है ना, ठीक है राइट, तुम्हारी तरह नालायक एक नंबर के निकम में, उन्होंने एक दिन पिताजी से अपने बाप से बगावत कर दी और क्या बोला, हाँ जैसे ये बोलेगा हिस्सा दो, है कि नहीं बात, और ये अपनी दादी से बोलेगा शादी करवा रही पहले हिस्सा दिलवाओ, है ना, यही तो बोलेगा ये, तो भाई हिस्सा दो। अब जब इतनी बगावत हो गई बच्चे के द्वारा हिस्सा दो, तो भैया पिताजी की मजबूरी थी कि पिताजी ने 1930 में, कब 95 लगभग 95 साल है ना हो गए ना, 1930 में बच्चे को बेदखल कर दिया बच्चे की इच्छा पर, कि भाई ठीक है तुझे अगर अपने बाप के साथ नहीं रहना और तुझे अपना हिस्सा अलग करना है तो मेरी जायदाद में से इतना हिस्सा तेरा हो जाएगा। कितना हिस्सा तेरा हो जाएगा? इतना हिस्सा जायदाद का तेरा हो गया। अब जब जितना हिस्सा जायदाद का उसका हो गया तो पिताजी ने कहा अब तू मेरे जायदाद से बेदखल है, अब तू मेरे साथ कोई लिंक नहीं करेगा, इसलिए तेरा घर परिवार धंधा काम धंधा सब अलग। तो इसका मतलब सेल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जब सेल्स ऑफ गुड एक्ट ने बगावत कर दी तो जज सामने क्या किया, सब कुछ क्या कर दिया, अलग कर दिया, यानी उसका घर परिवार सब अलग कर दिया, उसका नाम ही क्या रखा, सेल्स ऑफ गुड, उसका एक्ट ही अलग बना दिया। अब एक्ट अलग बना दिया तो जितने भी ये सेक्शन थे, क्योंकि नया एक्ट बनाए तो ये कहां से शुरू कर दिए, सेक्शन वन से शुरू कर दिए, तो सेक्शन वन से लेकर सेक्शन 64 जितने भी सेक्शन हैं, है ना, वो सब कहां पे डाल दिए, सेल्स ऑफ गुड एक्ट से डाल दिए। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट वन से लेकर 64 सेक्शन को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, जो इसमें से निकालकर इसमें क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, है ना राइट। लेकिन ये बताओ, अब जैसे भाई हमारा दस है, दस पूरा नाम क्या है, दस प्रभाकर, अब दस जा रहा है टहलता टहलता आस पड़ोस में, एक अंकल जी ने पकड़ लिया, बाप से लड़ लिया ना तू, तो कह रहा है हाँ अंकल जी कई बार ऐसा लगता है कि पापा की गलती होती है, पर कई बार पापा लोग क्या नहीं करते, समझते नहीं बात को, है ना राइट। तो हाँ चलो मैंने माना मेरी गलती भी है, पर कुछ गलती मेरे घर वालों की भी है, मेरी बात बिल्कुल भी सुनते नहीं, अब कुछ तो बड़ा हो गया मैं, है कि नहीं बात राइट, फिर भी मेरी बात नहीं सुन रहे, तो इस चक्कर में झगड़ा कर लिया, लेकिन सारी गलती मेरी भी नहीं है। अब दस बेचारा बहुत परेशान कि लोग क्या लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, तो दस ने बोला आज के बाद सबसे बढ़िया चीज़ है पिताजी से बगावत करके अलग होने की, प्रभाकर नाम ही हटा दूंगा, क्या हटा दूंगा, सरनेम हटा दूंगा, ठीक है। अब ये बताओ सरनेम मान लो कोई भी लगा दिया, है ना, दक्ष ने कोई भी सरनेम लगा दिया XYZ, लेकिन फिर कोई गली मोहल्ले वाले अंकल पकड़ लिए, अंकल जी ने बोला प्रभाकर साहब का लड़का है ना, तो बोल बोल हाँ कर रहा है तो हाँ करनी रहा, हाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, तो बाप का नाम अगर तुम हटा दो, सरनेम अगर हटा दो, अपने खानदानी सरनेम हटा दो, लेकिन कभी भी जिंदगी में ये बात नहीं झुठला सकते कि मैं उनका बेटा नहीं हूं, है कि नहीं बात राइट, है कि नहीं बात। तो भैया यही बात जब सेल्स ऑफ गुड एक्ट से पूछी गई कि भाई ठीक है तेरा नाम अलग कर दिया, तेरा सरनेम भी अलग कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जगह सेल्स ऑफ गुड एक्ट कर दिया, नाम तेरा अलग कर दिया, तेरे पिताजी ने सारे के सारी चीजें डिलीट भी कर दी और तुझे सब कुछ नया दर्जा दे दिया कानूनी तौर पर और समाज के तौर पर भी तुझे नया दर्जा दे दिया, लेकिन तुझसे आज ही बोल दें अगर कि तू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेटा है तो हाँ बोलनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया जाने ना जाने तू ये जानता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा है जिसे मुझे क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इसका मतलब समझे क्या, बताओ इसका मतलब क्या, बताओ इसका मतलब क्या, पिताजी के अगर नाम चेंज होने से सरनेम बदलने से तुम्हारे अंदर के गुण खत्म, DNA थोड़ी बदल दोगे पिताजी का, है कि नहीं बात, DNA तो मैच करेगा करेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सोचो, बहुत सारी नहीं सारी बहुत सारी नहीं मुन्नी सारी चीजें किसकी आएंगी, बाप की आएंगी, जैसे कि हाँ एक्सेप्टेंस,
प्रॉमिस, एग्रीमेंट, एनफोर्सिबिलिटी, यानी सीधा सीधा बोल दूं क्या, सेक्शन 10, पूरा का पूरा सेक्शन 10 किसके ऊपर लगेगा, सेल्स ऑफ गुडेट के ऊपर लगेगा, क्योंकि सेल्स ऑफ गुडेट अपने आप में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट तो है, बस फर्क क्या है, नहीं फर्क क्या है कि सेल्स ऑफ गुडेट कॉन्ट्रैक्ट किसका है सिर्फ, और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किसका कॉन्ट्रैक्ट है, सबका, हाँ चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, सबका है वो, बात समझ में ना, उसमें से बस क्या किया बाप ने, बाप ने गुड्स गुड्स को क्या कर दिया, लेकिन बेटी जो है सर्विस, बेटी है कि नहीं बात, वो भी किसके साथ है, हाँ बाप के साथ ही रह रही है, बड़ा भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, बिल्डिंग, ये भी किसके साथ है, बाप, बगावती कौन था, छोटा लड़का, बगावती कौन था, छोटा लड़का, भगा दिया उसे, है कि नहीं बात, कि भाई 76 तक जाके बगावत कर रहे हो तो तेरा दर्जा अलग कर दिया, लेकिन एक बात है गुड़ वही रहेंगे, इसका मतलब एक बात ध्यान रखना, जितना तुमने सेल्स ऑफ गुड एक्ट में, जितना तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ लिया वो सब इसके ऊपर क्या होता है, ऑटोमेटिक एप्लीकेबल होता है, पढ़ाने की जरूरत, अब मैं तुम्हें ये नहीं पढ़ाऊंगा कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट के लिए गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तुम पढ़ चुके हो, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट के लिए क्या क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ओरल, गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी है ना, राइट, तो ये तुम पढ़ चुके हो, अब ये कॉपी पेंसिल खरीद के लाया, रिटर्न थोड़ी किया है, लेकिन मोबाइल खरीदा होगा, रिटर्न किया होगा ना, है कि नहीं बात, तो हम मुझे कोई भी सेक्शन 10 की बताने की जरूरत नहीं कि ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगी, वो सब तुम्हें क्या हो चुका है, तुम्हें ज्ञान है, अब समझ में आई ना, एक से लेके 75 तक जो सेक्शन तुमने पढ़ लिए वो क्या सारे के सारे गुण किसके ऊपर लगते हैं, ठीक है, सामान खरीदने के लिए तब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, 16, 17, 15, 16, 17, 18 के बाद 19 ये सब चीज़ें नहीं लगनी चाहिए, है ना, ये अब तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं दोबारा, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसके ऊपर लग चुके हैं गुड्स के ऊपर, बात समझ में आ गई, तो भैया अब देखो सबसे पहली बात, ये सारी बातें मैंने तुम्हें लिख रखी हैं, इनसे तुम क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, 76 से 123 के अंदर मामला हुआ करता था जिसे डिलीट कर दिया गया 1 जुलाई 1930 में, है ना, यानी 1930 गुड्स का जन्म कब हुआ, 1 जुलाई 1930 को लागू किया गया, कॉन्ट्रैक्ट किस डेट को लागू किया गया था, फर्स्ट नहीं, वो हुआ था 1 सितंबर 1872 को, और पास हुआ था 25 अप्रैल 1872, सेल्स ऑफ गुड एक्ट कब हुआ सर, 1 जुलाई 1930, ठीक है, राइट, सेक्शन 3 जो तुम छोड़ सकते हो उसने वही बात बोली जो मैंने तुम्हें बताया, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, बाप के सारे गुण द प्रोविजन ऑफ द फादर कंटिन्यू टू अप्लाई टू द सेल्स ऑफ गुड एक्ट, सिंपल, बोलो सिंपल। अब अगली बात सर, डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन कहते हैं सर, एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड, सेल्स ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अगर आईसीआई किताब में देखोगे तो एक लाइन में बात खत्म है, लेकिन मैंने हर एक वर्ड को क्या किया, तोड़ के पढ़ा, क्योंकि आज यही पढ़ना है, अगर तुमने ये पढ़ लिया तो खेल खत्म है कि नहीं बात, राइट, एक क्या होगा सर, सेलर, एक कौन होगा, दूसरा है ना, दो तो होने जरूरी है, विवाह तभी तो करोगे, लड़का होगा और एक लड़की होगी, हालांकि जमाना बदल गया है, तुम्हारा कुछ भरोसा है नहीं वैसे, है कि नहीं बात, दिल्ली में बंद कर दे, दिल्ली में अलाउ किया ना, चलो भाई तो तुम्हें विदेश जाना पड़ेगा, मतलब हाँ फ्रांस अमरीका है ना, यहाँ जाया कर सकते तुम, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हिंदुस्तानी लॉ है तो हम क्या मानेंगे, एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए, यानी कि एक सेलर होना चाहिए और एक बायर, ये बात हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके हैं, कोई बंदा खुद से कॉन्ट्रैक्ट, ज्यादा ही बात, वही बात तो लिखी है, कोई बंदा खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो एक होगा सेलर और एक होगा बायर, इतनी बात समझ में, सेलर बायर आपस में क्या करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, क्या करेंगे, गुड्स सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, सामान की लेन देन करेंगे, है ना, सामान की लेन देन करेंगे तो क्या बेचेंगे, गुड्स, इसलिए क्या वर्ड लिखा है, गुड्स, है ना, अब एक बात तुमने देखी होगी, पराग भाई की कसम है तुम्हें, पराग गुप्ता सर की कसम है तुम्हें, ये बताना चाहे 11th के भी तुम्हारे जो सर रहे हो अकाउंट वाले उनकी कसम है, ये बताओ, एक तो होता है कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल, क्या होता है बाबू, यानी कि माल चला गया पैसा बाद में आएगा, क्या तीसरे तरह की एक और सेल हो सकती है क्या, ना ना ना, ना वो तो बार्टर हो गया, बार्टर की बात नहीं कर रहा, एक कैश सेल्स पैसा जूते दो पैसे लो, है ना, एक क्रेडिट सेल कि बाद में पैसे माल ले जाओ पैसे बाद में देना, एक और तरह की तो सेल होती है, हाँ एडवांस, एडवांस सेल भी तो सकती है क्या, क्या बोलते हैं उसे अकाउंट की भाषा में, एडवांस बोलते हैं, पैसा दे दिया है ना,
पैसा दे दिया कि भाई पैसा ले लो, सेल बाद में कर लेंगे। हाँ, प्रीपेड कह दो, है ना। तो सेल्स अक्रूडेट क्या कवर करेगा, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स या प्रीपेड सेल? तीनों भैया, तीनों। तो जज साहब ने बोला सेल्स अक्रूडेट कवर करता है सेल, सेल को बोला गया ट्रांसफर, क्या बोला गया ट्रांसफर। और सेल्स अक्रूडेट कवर करता है एग्री टू सेल, एग्री टू सेल को क्या बोला गया एग्री टू ट्रांसफर, है ना। अब इसे अकाउंट की भाषा में पढ़ो, अकाउंट की सॉरी कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में पढ़ना, ये होगा, है ना, एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट किसका किया, एग्रीमेंट टू सेल, और ये क्या किया, एग्रीमेंट टू फ्यूचर सेल, है ना, एफ यू टी यू आर ई फ्यूचरे, अरे फ्यूचरे, एफ यू टी यू आर ई फ्यूचरे, फ्यूचरे सेल हो गए, नहीं हो गए, है कि नहीं बात। तो सेल्स अक्रूडेट कह रहा भाई मैंने इसमें कोई वो नहीं किया भेदभाव, आज सेल कर फ्यूचर में सेल कर, पैसा आज ले ले फ्यूचर में सामान दे दे, सामान आज ले ले फ्यूचर में पैसा दे दियो, है ना, आज के सामान दे जा फ्यूचर में पैसा उधारी कर दियो, कुछ भी कर ले भाई, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने सबको कवर कर दिया सेल और एग्रीमेंट टू सेल। अब एक बंदा सेल और एग्रीमेंट टू सेल करता है, तो मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया है कि उसमें बेलमेंट भी तो होती है, बेलमेंट भी तो होती है। जब तुमने अपने दोस्त को क्या दे दिया स्कूटी, क्या वो सेल कहलाई जाएगी? तो सेल कब कहलाई जाएगी, ना पैसे की बात ही नहीं आती, ये कैसे पता लगेगा बेच देंगे, ना 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 ना, ये कैसे प्रूफ हो जाएगा कि मैंने वो माल बेच दिया, बेच दिया वो एलेक्स पे, नहीं वो सब तो है ही, लेकिन ये पता कैसे लगेगा, कंसिडरेशन तो नशेड़ी उसमें भी आता है, बेलमेंट में भी। मैंने तुम्हें स्कूटी दे दी किराए पर, मैंने कहा पेट्रोल भी डलवाइयो और 200 रुपये दिन का किराया भी, गोवा ना गए घूमने हैं, अबे ये गर्दन उड़ेगी इसकी, अबे तो गोवा में यही कल्चर है कि वहाँ जाओ और स्कूटी रेंट पे लो, है कि नहीं बात, ठीक है। वहाँ की गवर्नमेंट अलाउ करती है, बस हेलमेट मिलेगा साथ में, चिंता मत करना, ठीक है, लाइसेंस ले जाना अपना। अब तो खैर हर जगह चल गया है कल्चर हाँ नशेड़ी है ना ये, कह रहा जितना पीना ना, हाँ नहीं तेरे पापा को दिमाग बताऊँगा तेरा कहाँ चल रहा है तेरा, है ना। और ये बोल दूंगा पापा ये दारू की बात नहीं कर रहा था अंकल जी, ये ड्रग्स की बात कर रहा, वो भी अलाउड है वहाँ तो। तो बताओ भाई, तो मैंने तुम्हें स्कूटी दे दी किराए पर और तुमसे रेंट ले लिया जैसे गोवा में चलता है, तो वो तो मैंने स्कूटी थोड़ी बेच दी, ये कैसे प्रूफ होगा कि मैंने तुम्हें वो सामान बेच दिया, वो तुम्हारा हो गया, मैं मांगूंगा नहीं। यार अकाउंट्स के बच्चे एग्रीमेंट नहीं न लाए, आसान भाषा में बोल, जो गरीब बच्चे को बता रहा हूँ, गरीब मतलब बच्चा जो साइंस का बच्चा, गरीब बच्चा नहीं समझे, ऑनलाइन वाले पता नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे होंगे, ऑनलाइन वाले बाल को बताओ क्या होगा सर, हाँ बहुत बढ़िया साक्षी अग्रवाल जी, अग्रवाल जी का दिमाग बहुत तेज भाई, है ना। जब उसकी ओनरशिप चली जाए, क्या चली जाए, और ओनरशिप कब जाती है, उसका बिल बनता है, तो नलायक को ओनरशिप कब जाएगी किसी स्कूटी की जब, और ये कैसे पता लगेगा, बेच दिया, बिल ना बनाओगे, बिल ना लेते, है कि नहीं बात, बस हाँ। तो भैया मुद्दे की बात ही ना बोल रहे, हवाई बातें करे जा रहे हो, एग्रीमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, अरे सिंपल सी बात, जो गरीब बालक भी बता दे, जो साइंस बालक हो और जो कॉमर्स में उसने पढ़ाना हो, वो आम आदमी क्या बोलेगा, भाई मेरा सामान होगा जब मेरे पास क्या जाएगा, बिल। तो एक सिंपल सी बात, सेल्स अक्रूडेट में एक गुड़ दूसरे का हो जाता है अगर उसका बिल किसी और के नाम पे बन जाए। तो जज साहब ने क्या बोला, ओनरशिप चले जाए, ओनरशिप को ओनरशिप नाम नहीं दिया, ओनरशिप को क्या नाम दिया, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप। और बाबू क्यों बेच रहा हूं मैं सामान, पैसा बाबू पैसा, बाप बढ़ाना भैया, एंड में ये बात लिख दी भाई, पैसा तो बहुत जरूरी है। अब ये डेफिनेशन होगी भाई बहुत सिंपल, आज यही डेफिनेशन पढ़नी है। सेल्स ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट मींस वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर, सेलर बेच रहा है या बेचेगा ओनरशिप इन गुड्स, क्या बेचेगा, गुड्स, लेकिन गुड्स में, गुड्स के साथ साथ ओनरशिप, किराए पे नहीं दे रहा वो। अब इससे एक बात समझ में आ गई, मैंने तुम्हें अपनी स्कूटी किराए पे दी, क्या सेल्स ऑफ गुड एक्ट लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड एक्ट कब लगेगा, हाँ तो ये पहले MCQ जब आते थे ना आज से 10 साल पहले, तब ये क्वेश्चन आते थे, है कि नहीं बात। मैंने तुम्हें अपनी स्कूटी बेच दी थ्रू अ बिल, बिल कटा उसका, तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट, और अगर मैंने तुम्हें किराए पे दिया तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट नहीं लगेगा, फिर तुम कहाँ जाना, रेंट एक्ट पे जाना, एक एक्ट है रेंट एक्ट, है ना, रेंट एक्ट पे जाओगे, हमारे देश में तुम्हें पता है 26,000 से ज़्यादा एक्ट है,
तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग एक्ट है। तो भैया रेंट एक्ट पे चले जाना, एक जन्म में तुम चार पांच एक्ट ना पढ़ पा रहे है कि नहीं बात, तो कम से कम 26 जन्म तो लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो अलग अलग एक्ट के हिसाब से काम होगा। लेकिन अगर तुमने उसे ओनरशिप बेची है तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट, किसको बेची है, बायर को, क्यों बेची है ना, समझ में आ गई बात, कौन किसे क्या और क्यों, कौन बायर टू सेलर, क्या ट्रांसफर और एग्रीड ट्रांसफर गुड्स, प्रॉपर्टी एंड गुड्स, क्यों फॉर अ प्राइस, समझ में आ गई बात, कौन किसे क्या बात खत्म, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बताया दिया, सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों आते हैं। अब इसी डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करते हैं, इसी डेफिनेशन में बोला एक सेल, एक सेल्स ऑफ गुड एक्ट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक सेलर होना चाहिए, एक बायर होना चाहिए, है ना, राइट। जीवन इतना सरल हो, कितनी सरल बात, कितनी बढ़िया बात हो जाए, बायर मीन्स द बायर, अरे नहीं पागल, बायर मीन्स द बायर हु बाय द गुड, सेलर मीन्स द सेलर हु मजामा, है कि नहीं बात, मजा मा लाइफ भाई, ऐसी डेफिनेशन कितनी बढ़िया बात है। उसके आगे जोड़ दो एग्रीमेंट टू बाय और एग्रीमेंट टू सेल, है ना। लेकिन भाई एक खतरनाक बात सुनना जान से, बहुत ही खतरनाक बात। अब पढ़ सेल्स ऑफ गुड एक्ट रहे, लेकिन मसला आया पता किसका, मसला आया पार्टनरशिप का, किसका मसला आया, बहुत होश में सुन लेना अब ये बात। पार्टनरशिप में मान लो दो पार्टनर थे, है ना, दो पार्टनर, बिल्लू, एक बिल्लू और एक, अरे गुल्लू, ऐसे नहीं बात, दो पार्टनर थे। अब ये पार्टनरशिप में थे, पार्टनरशिप तुम पढ़ चुके हो 12th में, तो पार्टनरशिप एक्ट सबसे आसान एक्ट है, मतलब फाउंडेशन में सबसे आसान एक्ट होता है वो कौन सा होता है, पार्टनरशिप, बहुत सारी बातें तुम उसमें पहले से पढ़ चुके होते हो। और दूसरा कंपनी एक्ट भी आसान होता है, कंपनी एक्ट के बारे में तुम क्या कर चुके हो, तो कुछ ना कुछ पढ़ चुके होते भैया, है ना, राइट। कौन सी शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये कैपिटल, सेपरेट लीगल एंटिटी, याद है, सेपरेट लीगल एंटिटी में अलग होता हूँ, कंपनी अलग होती है, ऐसी चीज़ें पढ़ चुके हो, टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, है ना, ये सारी बातें तुम पढ़ चुके हो, तो लगभग लगभग कुछ कुछ ज्ञान होता है, मेमोरेंडम आर्टिकल, है ना, बस। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप और कंपनी एक्ट सबसे आसान होता है इंटर में पढ़ना। अब दो पार्टनर है, अब ये बताओ पार्टनरशिप में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, नहीं एलएलपी की बात नहीं, अरे नशेड़ी एलएलपी की बात नहीं कर रहा मैं, नलायक नॉर्मल पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ, अगर पार्टनरशिप बोल रहा हूँ तो पार्ट नॉर्मल, क्यों होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्यों होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी मैं अलग और मेरी कंपनी सेपरेट, आइडेंटिटी कंपनी एक्ट में पड़ गया ना, मैं अलग और मेरी कंपनी अलग, कंपनी अपने नाम से क्या करती है, बिजनेस भी करती है, अकाउंट्स भी खोलती है, धंधा पानी भी करती है कि नहीं बात, राइट। और मैं कौन हूँ शायद ये दुनिया जाने बिना, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, मान लो रिलायंस को तो मान लो क्या कहते हैं एयरटेल, है ना, सिमविम आता है, एयरटेल आता है, अब उसका डायरेक्टर कौन है, तुम इससे क्या मतलब, तुम्हें नाम भी ना पता है कि नहीं बात। ऐसी बहुत सारी कंपनी है भाई, ठीक है। अब एक कंपनी तुम्हारे घर में क्या कहते हैं, कंपनी का मान लो आटा आता, आशीर्वाद आटा, ITC का है वो, किसका प्रोडक्ट है, ITC, है ना। अब ITC का डायरेक्टर कौन है, तुम्हें इससे क्या मतलब, ये ITC के वैसे तुम्हें पता ही है कि मालिक कौन होता है, शेयर होल्डर, मालिक कौन होता है और चलाता कौन है, डायरेक्टर, है कि नहीं बात। तो ITC का शेयर होल्डर कौन है, तुम्हें इससे क्या मतलब, ये ITC को चला कौन है, डायरेक्ट तुम्हें नाम भी नहीं पता है कि नहीं बात। आटा पी रहे हैं कुछ बालक और ये नशेड़ी बालक सीट बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं ITC की, है कि नहीं बात। ITC की कॉपी भी आ रही है, सिगरेट वाला तो हंस रहा है, सर को कैसे पता, देख लिया सर ने जरूर, है कि नहीं बात, राइट। तो भाई अब सिगरेट पीने वाले को, आटा खाने वाले को, ITC कॉपी खरीदने वाले को छोटे बड़े डायरेक्टर कौन है, इसका मतलब मैं जिस पर्सन से सामान ले रहा हूँ उसका चालक कौन है, मुझे इससे मतलब नहीं होता, यही होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी मेरा कॉन्ट्रैक्ट किससे है, कंपनी से। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, कि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, मैं और मेरी पार्टनरशिप क्या होती है, एक होती है। अब सुनना ध्यान से, बिल्लू और गुल्लू तुम्हारी तरह लड़मरे आपस में, है ना, एक दूसरे का सर्वर फोड़ दिया, ठीक है, लड़मरे आपस में, उन्होंने बोला भाई इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, लेट्स ब्रेक अप, ठीक है, राइट। अब दोनों ने ब्रेकअप कर लिया, ब्रेकअप कर लिया तो लीगली करना पड़ेगा, ब्रेकअप को तुम बोलते हो अकाउंट्स की भाषा में डिसोल्यूशन, क्या बोलते हो, पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन बोलते हैं। डिसोल्यूशन हुआ तो रिलेशन अकाउंट बनेगा, रिलेशन अकाउंट बनेगा तो असेट बिकेंगी, असेट बिकेंगी ना। अब हुआ ये, बिल्लू और गुल्लू जो पार्टनरशिप B&G जो एंड कंपनी, ये जो पार्टनरशिप फर्म थी, इन्होंने अपनी एक असेट
बिल्लू को दे दी। बिल्लू कह रहा मार्केट में कहा बेचने जाएगा, लैपटॉप मैं ले जाऊंगा, रो मत ना, है ना, राइट, मुझे दे दे। तो बिल्लू पार्टनरशिप से वो असेट बिल्लू ने ही दे दी, ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, मेरी एसेट मेरे, भाई मार्केट में बेचोगे मुझे बेच दे, इससे क्या दिक्कत है। तो दोनों ने मंजूर कर ली बात, चलो कोई बात नहीं, कुछ असेट तो हम खरीद लेंगे। अब हुआ ये, अगर ये लैपटॉप बिक रहा है और ये फर्म के द्वारा उसके पार्टनर को बेचा जा रहा है, होता नहीं होता ऐसा डिसोल्यूशन के टाइम पे, अकाउंट में तो करा होगा यार, है ना। अगर कोई भी फर्म कोई भी एसेट अपने पार्टनर को बेच देती है तो पार्टनर्स आर कॉल्ड बायर एंड फर्म इज कॉल्ड सेलर, क्या ऐसा कहना उचित है या नहीं। दिस इज सेलर एंड बिल्लू इज बायर, क्या ये बायर सेलर हुए या नहीं हुए, बोलो। हाँ क्यों नहीं हुए, कुछ बालक कह रहे हैं बायर सेलर हो गए, तो ऑनलाइन वाले पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बताओ दीदी ऑनलाइन। नहीं वो तो सही बोल रहे हैं कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी बालक, ओ सकीना ओसामा बोलो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं बायर सेलर होंगे, बायर सेलर होंगे बिल्कुल गलत जवाब, ऐसा कहना सही है, ठीक है, राइट। एक बार बताओ, पार्टनरशिप में ही तुम एक सेक्शन पढ़ोगे, वो तुमने पढ़ा हुआ है तुम्हारी खोपड़ी से, तुम्हारे घुटनों में ना बात थोड़ी सी सरक सरक के कहाँ चली जाती है, एडियो में पहुंच जाती है। सेक्शन 14 है, धारा 14 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, वो ये बोलती है इफ एनी असेट्स केम इनटू द पार्टनरशिप फर्म आइदर बाय द सेलर और आइदर बाय द पार्टनर फ्रॉम इट्स होम या फिर परचेज फ्रॉम आउटसाइड, कहीं से भी पार्टनरशिप फर्म में असेट आ जाए तो किसकी मानी जाती है, फर्म की मानी जाती है, फर्म की। और क्योंकि फर्म में दोनों का बिल्कुल बराबर बराबर का हिस्सा है, बिल्कुल क्या है, बराबर बराबर का हिस्सा है, और क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, इसलिए फर्म और पार्टनर क्या होते हैं, यानी कि ये दो जिस्म, ये जो तुमने अपनी एक्स से बोला था ना, यही बात, ये जो तुमने झूठ बोले थे ना उससे, ठीक है, अब पोल खुल गई तो हंसरा है बेटा, नाम नहीं बताता तू वरना, है ना, कॉल अभी अभी बात कर लेता। ये जो तुमने डायलॉग बोले अपनी एक्स से, दो जिस्म एक जान, यही डायलॉग लगता है पार्टनरशिप में, दो जिस्म एक जान, यानी देखने के लिए हम ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर हैं और फर्म वाले, ऐसा नहीं है, कानूनी तौर पर पार्टनर और फर्म एक है। अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम फर्म की तरफ से क्या करते हैं, एंट्री डालते हैं, खाते बनाते हैं, लेकिन अगर लीगली एक्ट के हिसाब से जाओगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से जाओगे, तो पार्टनरशिप एक्ट 32 अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करती, वो कहते हैं अकाउंटिंग तो भाई अपने हिसाब से खाते बनाने में जो कर रहे हैं करते रहो, लेकिन हमारी नज़रों में फर्म और पार्टनर में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर फर्म और पार्टनर में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि सेपरेटली का एंटिटी नहीं है, इसलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। फर्म का लॉस किसका लॉस, लॉस ऑफ द फर्म इज इक्वल टू लॉस ऑफ द, क्योंकि सेपरेटली का एंटिटी है ही नहीं। अब जितनी भी एसेट होती है सेक्शन 14 के हिसाब से, वो सारी की सारी एसेट किसकी हो गई, पार्टनर की हो गई, है ना। अब एक बात देखो, अब ये जो एसेट, एक मान लो मोबाइल है, मोबाइल है ना, लैपटॉप छोड़ो, चलो मोबाइल है, दिख रहा है तुम्हें, अब ये मोबाइल किसका था, फर्म का, ठीक है, राइट। अब फर्म की एसेट, क्योंकि सेपरेटली का एंटिटी नहीं होती, फर्म का लॉस पार्टनर का लॉस, फर्म का प्रॉफिट पार्टनर का प्रॉफिट, एज इट इज फर्म की एसेट पार्टनर की एसेट। तो यही मोबाइल बिल्लू का भी हो गया और यही मोबाइल गुल्लू का भी हो गया। अब क्योंकि फर्म ने, क्योंकि असेट फर्म की है, तो असेट बिल्लू और गुल्लू की भी हो गई, तो बिल्लू और गुल्लू ने असेट किसको बेच दी, बिल्लू को बेच दी, बेच दी नहीं बेच दी, यही तो हुआ है। फर्म ने असेट किसको बेची, बिल्लू को। बस तुम ये नहीं समझ रहे कि बिल्लू बी एन जी एंड कंपनी क्या है, बिल्लू और गुल्लू ही है। एक तरीके से देखा जाए तो बिल्लू ने अपनी असेट बिल्लू को नहीं बेच दी, है कि नहीं बात। तो फिर ये बायर और सेलर अलग अलग हुए क्या, बोलो, हुए या नहीं हुए, नहीं हुए भाई, अलग कैसे हो गए, एक ही तो हुए, है कि नहीं बात। क्योंकि भाई इस मोबाइल में आधा आधा मोबाइल तो मेरा है भाई, आधा इसका, आधा बिल्लू का और आधा गुल्लू का है। अरे तो एक असेट जो बिल्लू कह रहा है ये मेरी मान ले, तू खुद को कैसे बेच देगा, तू दो मोबाइल है किसके हो गए, तो दोनों की आधी आधी, आधा आधा हिस्सा 50% पार्टनर है, एक बंदे ने खुद को असेट नहीं बेच दी, बात समझ में आई। तो क्योंकि ये केस पार्टनरशिप का है, पर इसका समाधान सेल्स, लड़ा सेल्स ऑफ गुडेट की नजरों से गया था,
जज साहब ने, जज साहब को वकील साहब ने ये पूछा कि ये मत बताओ, क्या मत बताओ, कि ये पार्टनरशिप में असेट पार्टनर की है या बिल्लू बिल्लू की है, मुझे तो ये बताओ सेलर और बायर हुए नहीं हुए। तो जज साहब ने कहा सहारा तो कहां से लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 14 से। तो सेक्शन 14 में लिखा था असेट जो फर्म की होती है वो असेट पार्टनर की होती है, लॉस जो फर्म का होता है वो असेट, वो लॉस पार्टनर का होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी की वजह से। तो फर्म की असेट इजिकल टू पार्टनर की असेट, और पार्टनरशिप की कोई भी असेट अगर पार्टनर की है और वो पार्टनर को ही बेची जा रही है तो दोनों क्या हो गए, एक ही तो हो गए, तो बायर सेलर बने नहीं बने, समझ गए। अब ये केस फर्म वहां नहीं पढ़ाऊंगा, सेक्शन 14 में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी समझ में आई ना बात। इस महान केस का नाम था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी। रीजन देखो ये लिखे बात, सेक्शन 14 के हिसाब से पार्टनर्स आर द जॉइंट ओनर ऑफ द एसेट एंड दे कैन नॉट बी बोथ सेलर एंड बायर। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर, यस सर, नहीं पीछे वाले भाई जादू नहीं समझ में तो आ गया, समझ में आ गई बात, ठीक है राइट, समझ गए। ये केस याद रखेंगे पार्ट सेल्स अग्रेड का, तुम्हारा पहला केस सेल्स अग्रेड में, ज्यादा केस नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 5-7 केस मिलेंगे, बस एक केस ये रहा तुम्हारा। अगली बात सर जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड, सेल्स अग्रेड में अगर गुड्स के बारे में पता लगे तो फायदा क्या सेल्स अग्रेड पढ़ने का, सेक्शन याद रखेंगे 27, क्या याद रखेंगे, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 ने बताया सेल्स ऑफ गुड एट किस पे लगता है, प्रॉपर्टी इन गुड्स यानी कि ओनरशिप इन गुड्स। 4.1 में जो गुड्स बोला गया उसको डिफाइन किया गया 2.7 में, 4.1 में जो गुड्स बोला गया, 4.1 में जो गुड्स बोला गया, 4.1 में जो गुड्स बोला गया, इस गुड्स को कहां डिफाइन किया, 2.7, समझ रहे हो। तो पहले डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी फिर ये लिखना पड़ेगा, बहुत ही मजेदार बात, सबसे मजेदार बात ये बताओ क्या बिल्डिंग गुड्स हो सकती, नहीं हो सकती, जो प्रॉपर्टी डीलर है, लेकिन सेल्स अग्रेड ने बोला लगा लो काटे, बिल्कुल गलत जवाब, अकाउंट से आंसर नहीं देने का, कहां से नहीं देने का भाई, अकाउंट के केस में तो जितनी भी बिल्डिंग है फ्लैट है जमीन है बेचने वाले के लिए गुड्स है, क्योंकि अगर मैं कौन हूँ प्रॉपर्टी डीलर, अरे मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ बिल्डर हूँ, तो मिल तो सारे फ्लैट क्या हो गए, गुड्स हो गए ना। तो लेकिन जज साहब ने बोला सेल्स अग्रेड नहीं मानता, सेल्स अग्रेड कहता है गुड्स मतलब मोबाइल प्रॉपर्टी खेल करता, एक जगह से दूसरी जगह सरकाई जा सके है ना, तो बिल्डिंग तो सरका नहीं सकते, मजा ना रहा है नोएडा पढ़ने में, गाजियाबाद ले चलने सर के घर के पास ही है ना राइट, तो सरका नहीं सकते है कि नहीं बात। अगली बात, सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स होती हैं, लेकिन लेकिन जज साहब ने बोला भाई ये उठाना बैग, जज साहब ने बोला कुछ चीज़ों को मैं गुड्स नहीं मानता, कुछ चीज़ों को मैं गुड्स नहीं मानूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात, किस चीज को गुड्स नहीं मानोगे, रिवर्स कर दो ना, रिवर्स कर दो, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है तो बताओ क्या गुड्स नहीं है, सिंपल बोलो सिंपल, तो भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है, है कि नहीं बात। अगला सुनना बहुत ध्यान से, तुम्हारी जेब में जो भी नोट पड़ा हो लेट से चलो ये निकालते हैं ना, क्या ये गुड्स है या नहीं है, टेन टेन, क्या ये गुड्स है या नहीं बताओ, सोचकर समझ कर जवाब देंगे, ये मत सोचना कि वायर फिर करके तुम्हें लुटा नहीं रहा मैं तुम पे, मैं हाँ तो इसकी शादी में जरूर आऊँगा मैं है ना, ना 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 मैं इससे ज़्यादा लिफाफे लाऊंगा ना भाई, और तब 2100 डालूंगा, हो सकता है 5100 डाल दूँ है ना भाई, पहले दादी को कहने दे फिक्स कर लेने शादी पर, बुलाना जरूर है ना, बताओ जल्दी गुड्स है या नहीं है, क्यों नहीं है यहाँ, क्योंकि इससे तो मैं सामान खरीद रहा हूँ इसको कैसे बेचूंगा, अच्छा मैं तो कह रहा हूँ 500 का नोट है खरीद ले 510 में, है कि नहीं बात, तो आरबीआई भी ना ले वापस, है कि नहीं बात, गुड्स है या नहीं है, नहीं बोलो भाई कंफ्यूज क्यों रहा, गुड्स है या नहीं है, नहीं, क्योंकि इससे तो गुड्स खरीदूंगा और इसका मोल भाव एमआरपी क्या होगी, 500 की एमआरपी 500 ही है ना, इसकी 490 450 ना इसकी 550, 500 की एमआरपी 500 ही है, बोलो भैया तुम्हारे चक्कर में एक बहुत बड़ा नुकसान कर रखा मैंने अपना पढ़ाने के चक्कर में, ये बताओ भाई ये गुड्स है या नहीं है, मैं बचपन की यादें भूल गए, यही तो निकालते थे पापा की जेब में से, है या नहीं है, क्यों भाई गुड्स क्यों है, ये भी तो 500 का नोट है, बोलो दो 500 के नोट, पूरी दादा दो 500 के नोट, एक गुड्स और एक गुड्स नहीं है, रीजन बताओ रीजन, ये शादी में ये डाल के लाऊंगा रख के मेरे पास और भी, हाँ एंटीक
एंटीक गिफ्ट है ना, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बोलो, क्योंकि इससे मैं आप सामान नहीं खरीद सकता, पर इसकी वैल्यू मार्केट में कम या ज्यादा लगाई जा सकती है। हो सकता है कोई कहते अरे भाई 500 का नोट, अरे 10 साल हो गए ऐसे, तो भाई मैं खरीदूंगा 600 में दे दे, तो ये गुड्स है ना, लेकिन ये गुड्स नहीं है। तो इसे बोलते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? करेंसी इन सर्कुलेशन गुड्स नहीं होता, पर ओल्ड रेयर करेंसी और ओल्ड रेयर कॉइन जो सर्कुलेशन में नहीं है उन्हें गुड्स का दर्जा मिलेगा। राइट, बोलो समझ गए सर? चुरा मत लेना, कभी पर्स खोल लो मेरा, है ना। नहीं, वो करेंसी इन सर्कुलेशन है ना भाई, एक मिनट उठा देना, करेंसी इन सर्कुलेशन है ना वो, समझ में बात। दूसरी समझ में आ गई, इमल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं होता। थैंक यू भाई। इमल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं होता और इमल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं होता और करेंसी सर्कुलेशन गुड्स नहीं होती। एक और चीज सोचो, तुम्हें मुझे मान लो फीस देनी है लॉ की, लेट से लॉ की फीस 10,000 रुपये तुम्हें मुझे देनी है, कि सर 10,000 रुपये दे देंगे, है ना। अब भाई इसको मर, क्या नाम है भाई? हाँ, ये भाई सोता सोता आदमी है ना हमारा। गुड, इसको मुझे फीस देनी थी, मैंने कहा पराग सर से एक काम करो दीवान खरीद लो, बेच दिया मैंने दीवान से बेच दिया है ना। तुमने कहा सर कैसे बेच दिया? मैंने कहा पराग सर काम करो, दीवान को मुझे लॉ की फीस देनी है, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है, देनी ना आनाकानी कर रहा है, आप मुझे दीवान खरीद लो 8,000 रुपये में। दीवान की बोली लग रही है, दीवान पाठक है ना, शिवांश, हाँ, तो मुझे खत्री जी की बोली लग रही है। वहाँ भाई ये कह रहे सर क्या हो रहा है मेरे नाम पे, क्या हो रहा है? अरे सर ने बेच दिया तो 8,000 रुपये, 8 में बिक गया तू। अरे तुम्हें यार कम से कम IPL होता तो करोड़ों बिक जाता, लेकिन सर ने मुझे 8 बेच दिया। तो ये बताओ क्या खत्री जी बिक सकते हैं? ये बताओ, नहीं मैं इंसान की बात नहीं कर रहा, बताओ मैंने क्या बेचा? एज अ डेटर बेचा। क्या बेचा भाई? इसको मुझे पैसे देने, तो मेरे डेटर हुआ ना, डेटर कौन से पैसे लेने होते हैं, तो मेरा डेटर कौन था? शिवांश। अब मुझे लगा कि डेटर देर से पैसा देगा, है ना, पराग सर तो रेप्ट लगाए उगल देगा सारा पैसा, है ना, मुझे क्या करेगा, मुझे चक्कर कटवाएगा कहाँ से, गाजियाबाद से, तो यार एकदम तो पेट्रोल लग जाएगा आने जाने का, ये आनाकानी करेगा। एक काम करो, पराग सर को बेच देता हूँ। मैंने कहा सर आप वसूल लेना, नोएडा की बात है, आप वसूल लेना, और नोएडा के भाई भी हो आप, है कि नहीं बात? राइट, एक बहन जीवानी है हमारी, ठीक है, एक आप भाई हो गए, आप अपने वसूल लेना, मुझे 8,000 दे दो। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने डेटर को सेल कर दिया, है ना। अब कोई भी लॉ इसे अलाउड मानता हो नहीं मानता हो, सेल्स ऑफ गुड्स से हमने ये पूछा कि क्या शिवांश गुड्स हुआ या नहीं हुआ। बोल, इतना टाइम लगाओगे बोलने में? क्या डेटर गुड्स हो सकते हैं बताओ? उसको बेच दूं बेचारे को? एक बार मम्मी ने कोशिश की थी अलग से बेचने की, बिक नहीं पाया बेचारा, नलायक को बेच दिया, है ना। तो जज साहब ने बोला तीसरी चीज जो गुड्स नहीं होगी वो कौन होगी? डेटर। और डेटर को बोला जाता है एक्शनेबल क्लेम, एक ऐसा क्लेम जिसको मैं एक्शन लेके या क्या करके केस करके भी वसूल सकता हूँ। तो एक चीज गुड्स होती है मूल प्रॉपर्टी, दो तीन चीज गुड्स नहीं होती, कौन? एक्शनेबल क्लेम, मनी, और साथ में क्या लिख सकते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या लिख सकते हैं सर? इमूवेबल प्रॉपर्टी, FD गुड्स होती है भाई। हाँ, ये लिख के बात, है ना। राइट, अब सिंपल सी बात तुम समझ चुके, बताओ बिजली गुड्स होगी नहीं होगी? बिजली गिरी 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 बिजली गिरी, इलेक्ट्रिसिटी, और क्या गुड्स होगी? चूंकि जाती नहीं, अरे लाइट चली गई, कहाँ चली गई? लाइट आ गई, आ गई कहाँ से? आ गई ये नहीं पता, लेकिन अगर आ रही है जा रही है तो मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है तो विश्वास है कि नहीं? विश्वास ना हो तो यहाँ स्विच लग रहा है ना, इसमें उंगली घुसेड़ देना, ठीक है, तो विश्वास हो जाएगा बिजली आ रही है या नहीं आ रही है। पानी गुड्स होगा नहीं होगा? मूवेबल है यार, मेरी पानी की बोतल कहाँ चली गई बताओ यार, कौन ले गया? ठीक है, गैस आ रहे ना सिलेंडर में भर के, तो इसका मतलब स्टॉक शेयर्स ये भी गुड्स हैं क्योंकि बिकते हैं, घास भी गुड्स हैं, है ना, वो सब्जी वगैरह भी गुड्स हैं, घास भी गुड्स हैं, ठीक है, राइट, ये चीज़ें गुड्स नहीं है। अच्छा बताओ पेड़ गुड्स हैं या नहीं है? पेड़, ट्रीज, बताओ। हाँ, लेकिन वो गुड्स हो जाएंगे अगर वो कट जाए तो, इसे बोलते हैं थिंग्स अटैच टू लैंड गुड्स मानेंगे व्हेन सीवर्ड, ये वर्ड ये लिखा है, सीवर्ड मतलब काट लेना, उसके बाद वो गुड्स हो जाएंगे, याद रहेगी बात? एक्शनेबल क्लेम मतलब
टेट के ऊपर क्लेम करना, ओल्ड रेयर कॉइन्स गुड्स मानेंगे। जैसे मैंने तुम्हें क्या दिखाया, पुराना नोट, ऐसे जो पुराने जमाने के कॉइन, जैसे 5 पैसे का सिक्का तुमने देखा हो घर में पड़ा होता किसी के, है ना, 25 पैसा जो बंद हो गए, तो वो क्या है, वो क्या बन चुके हैं, गुड्स बन चुके हैं। ये नशा करे किसी की किडनी निकालता हो रात को। वही तो, कई बंगाल से काला जादू सीख के आया हो, मंजुली का तो ना है भाई घर में, इधर ध्यान दो, उल्टे सीधे सवाल। अगर बिक रहे हैं लीगली, अगर लीगली बिक रहे हैं तो गुड है, हाँ तो अगर कोई बेक रहा है ना लीगली तो गुड है, हाँ हाँ ठीक है ना। अब इधर ध्यान दो इधर, अरे एग्जाम में नहीं आएंगे क्वेश्चन भाई, किडनी गुड्स होगी नहीं होगी, फेफड़े से सड़ गए मेरे, पीपी के गुड्स हो गए, भाई ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहे, चिंता मत करो, आज तक नहीं आए 75 साल के इतिहास में सी इंस्टीट्यूट ने आज तक ऐसा सवाल नहीं पूछा कि बता फेफड़े गुड्स हुए नहीं हुए, और जिनने पीपी के सुखा रखे उसके हैं कि नहीं है, उस पर डेप्रिशिएट कितना लगाएगा, अकाउंट में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आए, सुन नहीं रहे बात, इधर उधर की बात है। ठीक है, 4-1 पढ़ लिया, 2-7 पढ़ लिया, फिर समस्या ये उठी कि बताओ कितने प्रकार के गुड्स होंगे, कितने प्रकार के गुड्स होंगे, तो सेक्शन 6, तो तीनों को एक साथ पढ़ना है, तीनों का जोड़ा है बेचारा, एक साथ पढ़ना है, देख सुनेंगे ध्यान से। तीन तरह के गुड्स होते हैं, तीन तरह के, है ना, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला गुड्स, सबसे पहला गुड्स अगर ये गाना बज रहा है, क्या बज रहा है, गाना सुना है तुमने, हाँ हाँ पता नहीं नया नया कोई वर्जन बनाया नहीं बनाया, नजर के सामने तैयर के पास, सुना है नहीं सुना तुमने, नजर के सामने जिगर के पास, वो इंडियन आइडल में चले जाना तुम, कौन रहता है अगर ये गाना तुमने कहाँ गा दिया सही बात, अगर ये गाना तुमने पेपर में गा दिया तो एक कॉन्सर्ट बिल्कुल सही हो सकता है ना। अगर कोई भी चीज तुम्हारे नजर के सामने जिगर के पास है, कोई भी चीज तुम्हारे नजर के सामने जिगर के पास है, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि वो नजर के सामने जिगर के पास जो है वो गुड्स होंगे, है ना। अब जैसे बताओ ये कुर्सी गुड्स है, गुड्स है ना, और ये नजर के सामने जिगर के पास है कि नहीं, मैं नजर के सामने बता, नजर के सामने तो पसंद आ रहा, जिगर के पास तो उसे घर ले जाओगे भाई, गुड्स है कि नहीं है। तो अगर कोई भी चीज तुम्हारे नजर के सामने जिगर के पास है तो बताओ गुड्स होंगे, और अगर वो गुड्स है तो कौन से गुड्स हैं, कौन से गुड्स हैं, अरे कंटिजेंट, अरे नालायक सब धरा धरा सब बेकार कर दिया भाई, तो अब वो एग्जिस्टिंग गुड्स होंगे, कौन से होंगे जो नजर के सामने तुम्हारे, जैसे बालक हो ना, मैं किस दिन मैं लटक के नहीं, मैं माले से कूद जाऊंगा किसी, नजर के सामने जिगर के पास एग्जिस्टिंग गुड, यानी वो एग्जिस्टिंग गुड जो सच में तुम्हारे नजर के सामने और जिगर के पास है, और जो नजर के सामने जिगर के पास नहीं होंगे वो कुचूरे, क्योंकि वो नजर के सामने जिगर के पास है नहीं, वो नजर के सामने जिगर के पास आएंगे मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद या प्रोडक्शन होने के बाद। बोलो भैया समझ गए, समझ गए। अब तुमने केक का ऑर्डर किया है ना, मान लो 25 फरवरी का, तो 25 फरवरी को वो बनेगा ऑर्डर के बाद, तो वो कौन सा हुआ, कुचूरे, नजर के सामने जिगर के पास नहीं है, या कि नहीं बात। तो पहले देखते हैं जो नजर के सामने जिगर के पास है वो कितने प्रकार के होते हैं। नजर के सामने जिगर के पास गुड्स होते हैं तीन प्रकार के, सुनना ध्यान से, तीन प्रकार के मतलब कैसे, जैसे तुम किसी शोरूम में घुसे, जैसे तुम किसी शोरूम में घुसे, 100 गुड्स पड़े, मतलब जीन्स के शोरूम में घुसे 100 जीन्स पड़ी हैं, तो 100 थोड़ी खरीद लोगे, 100 खरीदने का मतलब ये होगा तुमने शोरूम खरीद लिया पूरा, है ना। तो मान लो 100 जीन्स 500 जीन्स पड़ी हैं, तो वो पता कौन से गुड्स होंगे, जहां तुम घुसने के बाद सिर्फ क्या कर पा रहे हो, जब तुम्हें लग रहा है कि भाई इसके पास स्टॉक बहुत बढ़िया है यार, तो मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी, मेरे पास क्या होंगी रे बाबू,
तो वो क्या होंगे? अनसर्टेन। क्या होंगे? अनसर्टेन। जल्दी बोलो। अबे अनसर्टेन नहीं नलायक। हाँ अनसर्टेन मतलब कि ओ सेक्शन 31 कॉन्ट्रैक्ट है, समझ बात, वहां मत पहुंच जाना। अन असर्टेन, अन को अलग करो और असर्टेन को अलग करो, बात समझ में आ गई। उसमें से बताओ तुमको, तुमने कुछ गुड्स क्या किए? हाँ छांट लिए। जैसे मान लो तुमने उसमें से चार जीन्स निकाल ली, चार तो में से कितनी निकाल ली? चार। कई घंटे लगा लगा के चार जीन्स निकाल ली, लेकिन तुम्हें पिताजी ने बोला लेके एक आई हो, है ना, लेकर एक ही जानी है, चार निकाल ली भाई, कितनी निकाल ली? तो वो जो चार जीन्स तुमने निकाल ली, वो चार पता क्या हुई? असर्टेन। असर्टेन मतलब उनको चुन लेना, दिल ने तुमको चुन लिया है, बजे वाला गाना जैसे तुमने गाया, तुमने सामने वाले से चार जीन्स को अलग रखवा दिया, भाई इन चार को अलग रख दे, चुन लिया, फिर तुम फोटो खींच खींच के भेज रहे हो, है ना, कौन सी ले लूं, है कि नहीं बात, राइट। फिर तुमने उसमें से क्या चूज किया? एक। हो सकता दो भी कर लो, ऐसा नहीं एक ही करो, दो भी कर लो। तो जिसको तुमने चूज करके जिसका गठबंधन कर लिया, जिसका कॉन्ट्रैक्ट अंजाम दे दिया, बिलिंग करा ली, जिसकी बिलिंग कि भाई पैसा पकड़ बिलिंग कर, वो हो गया स्पेसिफिक गुड्स, जिसे तुम घर ले जाओगे, जिसे तुम। तो गुड्स कितने प्रकार के हुए? गुड्स हुए तीन प्रकार के, कौन कौन से? एग्जिस्टिंग, फ्यूचरे और कंटीजेंट। एग्जिस्टिंग भी कितने प्रकार के हुए? है कि नहीं बात, बहुत सारे, है कि नहीं बात, राइट, बहुत सारे, यानी कि स्टॉक चुनाव करे हुए, है ना, असर्टेन, और जिसका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, चुन लिया, वो स्पेसिफिक। एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। सर एग्जिस्टिंग गुड्स क्या कहता है? एग्जिस्टिंग गुड्स कहता है जो गुड्स एग्जिस्ट करते हैं जब आप उसका कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो जैसा मैंने बोला तीन तरह के गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं, तीन तरह के गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं। पहला नीचे से पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे? यहां से, अनसर्टेन से। जब तक इन शब्दों को एग्जाम में नहीं लिखा जाएगा, जो मैंने लाल पेन से लिखा है, नंबर ना मिले भाई, लिख के दे सकता, नंबर बिल्कुल कतई ना मिले, कतई ना मिले, लिख के ले लो, क्योंकि तुम पता क्या लिखोगे? बच्चा भांति भांति प्रकार की बातें लिख के आता है एग्जाम में। अनसर्टेन गुड्स आर द गुड्स विच आर अवेलेबल इन बल्क विच हैव थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटी, है कि नहीं बात, हंड्रेड्स ऑफ क्वांटिटी, है ना। ये सब कहानी क्या है? बेकार है, जब तक कि तुम ये शब्द ना लिखो, विच आर, बोलो, नॉट आइडेंटिफाइड एंड नॉट एग्रीड अपॉन, नॉट आइडेंटिफाइड और नॉट एग्रीड अपॉन, ना तुमने अभी उनका चुनाव किया, ना तुमने उसका एग्रीमेंट किया, ये शब्दों का लिखना जरूरी। उसके बाद तुम चाहे ये लिख दो, ये लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर मिल जाएंगे। एग्जाम्पल पहले देना का, डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो। फिर भैया असर्टेन, जब तक ये नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे। क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड, है ना, फॉर इट आइडेंटिफाइड एंड सेट असाइड, आपने उस क्वांटिटी को एक्सट्रैक्ट कर लिया, छांट लिया, और साथ में उस क्वांटिटी को अलग से रख दिया कि भाई इस पे बात करेंगे, आपको किस पे बात करेंगे? इस पे बात करेंगे, ठीक है। और तीसरा, जिस गुड्स का तुमने एग्रीमेंट कर लिया उसको नाम देंगे गुड्स आइडेंटिफाइड एंड गुड्स एग्रीड अपॉन। जो तुमने आइडेंटिफाई एक्सट्रैक्ट करके निकाले थे उसका तुमने क्या कर लिया? एग्रीमेंट कर लिया। तो जब तक तुम ये बातें नहीं लिखोगे एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। तो हवा में बातें मत लिखना अपनी मर्जी से, है ना, राइट, कि जिसका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जिसका एग्रीमेंट कर लिया, जिसका बिलिंग कर ली, ये सब बातें बेकार है जब तक तुम स्पेसिफिक सेक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखोगे। तो अगर मैं तुमसे बोलूं, जल्दी बताओ, अनसर्टेन गुड्स, क्वांटिटी नॉट एक्सट्रैक्टेड नॉट सेट असाइड, असर्टेन गुड्स क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड एंड, नहीं नहीं सॉरी ये गलत पढ़ो भाई, क्वांटिटी नॉट आइडेंटिफाइड नॉट एग्रीड अपॉन, क्या लिखा है? नॉट आइडेंटिफाइड नॉट एग्रीड अपॉन, नॉट आइडेंटिफाइड और नॉट एग्रीड। और अगर मैं बोलूं स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है? क्वांटिटी आइडेंटिफाइड एज वेल एज एग्रीड अपॉन। तो ये और ये तो सेम से ही है, एक में नॉट लगाना है और एक में नॉट नहीं लगाना, समझ गए सर। अब आते हैं फ्यूचर गुड, बहुत सिंपल सी बात, सिंपल सिंपल सी ये डेफिनेशन एग्जाम में लिख के आना, जिसका ये शब्द 100% लिखना है, टू बी,
क्योंकि मुद्दे का शब्द यही है भाई, टू बी। हाईलाइट करेंगे किताब में अपनी, टू बी। टू बी समझ गया ना, फ्यूचर टेंस, जो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस होगा, जो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस होगा, है ना, राइट। तो इसी को आप बोलते हो एग्रीमेंट टू सेल। क्या बोलते हो भाई? एग्रीमेंट टू सेल। फ्यूचर में भैया फसल बेचूंगा, फ्यूचर में भाई दूध बेचूंगा, फ्यूचर में भाई जूस बेचूंगा। तो सारे काम अगर फ्यूचर में करें तो कौन से गुड्स होंगे? फ्यूचर में। कंटिजेंट बताओ, कंटिजेंट में कौन सा गाना गाया था? सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें हमने कंटिजेंट में सेक्शन 31 में गाना गाया था, कौन सा? हाँ, टाइटैनिक याद आएगा ना, गाना कौन सा था? अगर तुम मिल जाओ। अबे पागल हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है आदमी? अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, ये गाना गाया था ना, अगर तुम मिल जाओ तो बताओ जमाना कब छोड़ेंगे? हाँ, तो यानी जमाना छोड़ने की डिपेंडेंसी किस पे हो गई? इवेंट, वो इवेंट क्या है? मिलना, है ना, ये तो कंटिजेंसी होती है। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगर बिजली आएगी तो, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने का हुआ है लेकिन डिपेंड किस पे हो गया? है कि नहीं बात? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही होता। तो सोचो, कंटिजेंट गुड्स तो बिल्कुल आसान है, कंटिजेंट गुड्स कौन से होंगे? गुड्स सेल्स ऑफ गुड एक्ट में कंटिजेंट गुड कौन से होंगे? जिनका खरीदना बेचना डिपेंड हो जाए तीसरी घटना पर, वो क्वालिटी। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें ये सामान बेच दूंगा, हाँ, मैं भाई मान लो क्या कहते हैं, घड़ी की जगह यहाँ पे लैपटॉप लग रहा है ना, तुमने कहा सर मैं ये लैपटॉप मुझे बेच दो, मैंने कहा भैया मैं तुम्हें लैपटॉप बेच दूंगा अगर टाइटैनिक वापस आ गया, उससे भी आसान, अगर सन ने हाँ कर दी तो, है कि नहीं बात, राइट। और दक्ष रोज इसी कुर्सी पर बैठता है, कह रहा सर कुर्सी मुझे बेच दो, एग्जाम में भी अपनी कुर्सी खुद लेके जाऊंगा। वहम हो गया उसे, अपने दिमाग अपने घुटनों पर वो नहीं है भरोसा, कुर्सी पर भरोसा, इस कुर्सी में बैठ के क्या करता है, दिमाग तेज चलता है। तो मैंने कहा भाई देख कुर्सी मेरी नहीं है, अगर तुझे लगता है ऐसा कि इसी कुर्सी से बैठ के मैं पास होता हूँ, है ना, राइट, तो भाई ये कुर्सी मैं तेरे को बेच दूंगा अगर अगर आर के जी इस वहमी बातों पर यकीन करता होगा और वो कह देगा बेच दो, बेच दो। कंटिजेंट गुड्स एक ऐसे गुड्स का खरीद बेच जो किस पे डिपेंड हो जाए, किसी तीसरी क्वालिटी घटना पे डिपेंड हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? कंटिजेंट गुड्स। अगर तुम मिल जाओ जमाना नहीं, गुड्स बेच देंगे हम, ये वाला गाना गा देना है, आखिरी बात, तो उसे बोलते हैं कंटिजेंट गुड। लिखी बात, गुड जिसका खरीदना बेचना डिपेंड हो जाता है कंटिजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन। तीनों एग्जाम्पल पढ़ लो, समझ जाओगे तुम। मैं तुम्हें अपनी सारी की सारी फसल बेच दूंगा अगर अगर जेड ने मुझे बेच दी। मैं तुम्हारी पेंटिंग बना दूंगा, है ना, अगर उसने कलर बेच दिए, या मैं उसने मुझे पेंटिंग बेच दी, है ना। मैं तुम्हें सारी घड़ी बेच दूंगा अगर टाइटैनिक या तूफान नहीं आया। सेम ही तो बात है भाई, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज़ का हो सकता है, सर्विस का भी हो सकता है, गुड्स का भी हो सकता है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। लेकिन अगर सेल्स ऑफ गुड एक्ट में बोलो, अच्छा अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और नीचे लिखा हो डिसाइड द केस एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आपको लिखना पड़ेगा सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और अगर इसी क्वेश्चन में लिखा जाए डिसाइड द केस एज पर सेल्स ऑफ गुड एक्ट, तो आपको यहाँ से जवाब देना पड़ेगा। तो कंटीजेंसी वाले क्वेश्चन देखकर ये एग्जाम्पल जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, कंटीजेंसी वाले क्वेश्चन देखकर ये नीचे पढ़ लेना कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछ रहा है या सोजा से पूछ रहा है, पूछ देख लेना। वहाँ 31 लिखना पड़ेगा, यहाँ गुड्स की डेफिनेशन करके कंटीजेंट गुड्स लिखने पड़ेंगे। हाँ, क्वेश्चन में ही तो एंड में ही लिखा होता है डिसाइड द केस एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ ठीक है, अगली बात देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, बताने वाली बात नहीं, बता चुका हूँ मैं। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, है ना। अब देखो ओनरशिप दो तरह की होती है, एक होती है जनरल ओनरशिप और एक बाबू कौन सी होती है? स्पेशल। जनरल ओनरशिप होती है जो जैसे तुम्हारे मेरे केस में, भैया मेरा सामान था मैंने तुम्हें बेच दिया, है कि नहीं बात, राइट, मेरा सामान था मैंने तुम्हें बेच दिया, तो ये तो जनरल ओनरशिप होगा, जिसका सामान
जिसकी लाठी उसकी बहन, जिसका सामान है वो बेच देगा भाई। स्पेशल ओनरशिप पता क्या होती है, सामान मेरा नहीं होगा फिर भी मैं तुम्हें बेच सकता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे है, सामान मेरा नहीं है फिर भी हम तुम्हें बेच सकते हैं, ऐसा कैसे है। वो स्पेशल ओनरशिप है मेरे पास, ऐसे कैसे ना। और बताओ, चलो और सोचो, ये भी हो सकता है, और बताओ, सामान हमारा नहीं है लेकिन फिर भी हम बेच सकते हैं, बनने बनाने कोई बात नहीं। अरे बहुत आसान बात है, अरे नशेड़ियों तुमने वो सामान गिरवी रखा है, क्या रखा है, अरे तो सामान जब गिरवी रखा है तो उसके पैसे ना चुकाओगे बेचना देगा वो, फिर तो उसके पास कौन सी ओनरशिप है, स्पेशल ओनरशिप। अगर तुमने सामान गिरवी रख दिया है ना, लाला को लाला मेरे पैसे निकाल, तो भाई अगर लाला का तुमने पूरा पैसा नहीं चुकाया तो लाला हैज द स्पेशल प्रॉपर्टी कि वो तुम्हारा सामान क्या कर सकता है, बेच सकता है। बोलो भैया, बोलो, समझ गए सर, बोल मत लेना, चाटा खा के बोलोगे, समझ गए। अगली बात, जूते दो पैसे, ये वाला गाना गाया भाई तुमने, जूते दो तो तुमने कहा भाई जूते के बदले पैसे। अगला सवाल, जूते दो पैसे लो ना, जूते दो लड्डू लो, जूते के बदले कितने लड्डू, बार्टर सिस्टम। अगला सवाल, जूते दो 90% लड्डू लो, ठीक है, ये मान लो चलो 99% पैसा 1% लड्डू, ठीक है। और आखिरी सवाल, जूते दो 99% लड्डू लो और 1% कैश, यानी 1 रुपया कैश, मतलब 100 रुपये का माल है तो 1 रुपया कैश। तो भाई जल्दी जल्दी बोल दो बिना देर करे, क्या ये ट्रांजैक्शन सेल्स ऑफ गुड एट में कवर होगी प्राइस के अंडर, जूते तो पैसे लो प्राइस है, ठीक है, जूते दो लड्डू लो बाटर, क्या बाटर सिस्टम सेल्स ऑफ गुड एट कवर करेगा या नहीं करेगा। डेफिनेशन में क्या लिखा है, डेफिनेशन लिखा है ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर फॉर अ प्राइस, तो प्राइस में ये बाटर आएगा नहीं आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा, आएगा। अगला, प्राइस में 99% पैसा है पर 1% बाटर है, प्राइस में 99% लड्डू है 1% से भी कम, 1 रुपया ही वो क्या है, मान लो 1000 रुपये का सामान है तो 1 रुपया ही आएगा नहीं आएगा, ये बाटर में गिना जाएगा, पता नहीं मैंने थोड़ी बोला, तुमने बोला है, ये सवाल तो मेरा, तुम मुझसे कैसे कर रहे हो सवाल, कांटा कैच है, सारे होंगे राइट 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 राइट, है ना। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सारे ही पैसे में आएगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं पहला आएगा बाकी 3 नहीं आएंगे, तो राज की बात यहां देखते हैं भाई, है ना। सबसे पहला जज साहब ने बोला प्राइस मींस, प्राइस मींस पूरी दादा मनी कंसिडरेशन बोल तो, व्हेन कंसिडरेशन इज ओनली द गुड्स इट इज नॉट, इट इज नॉट, अरे बार्टर नहीं ना, क्या लिखा है, इट इज नॉट, तो भाई ये तो गया काम से, ये प्राइस में नहीं, इट इज नॉट अ प्राइस, ये प्राइस में आएगा ये आए। अब ये दो रह गए बेचारे, ये कह रहे सर हमारी जिंदगी में क्या करोगे हमारे साथ, कुछ बच्चे कह रहे, कुछ बच्चे कह रहे नहीं आएंगे, ये बार्टर है या बार्टर नहीं है, अब बताओ। हाँ, अब जब तुमने उससे पूछा, जब तुमने ना छोड़ो इस बात को, जब भाई तुमने उससे बोला था है ना, क्या
बता नहीं सकता ऐसी बात कर रहा है जब तुमने उससे बोला था है ना कि मैं तुमसे जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ बोला था तो उसकी परसेंटेज कितनी बता कितनी। हाँ जब उसने तेरी गर्दन पकड़ के पूछा कितनी कितनी मोहब्बत करता तू कितनी शाहरुख खान की तरह शाहरुख खान की तरह ऐसे हाँ और क्या हनुमान जी की तरह है ना श्री राम जान की बसे मेरे सीने में ऐसी कितनी मोहब्बत कितनी है तो बताओ कैसे पता है बचपन में फिल्म्स खेलते थे वैसे देख फिल्म्स निकालेंगे परसेंटेज तेरी मेरी नहीं तो पता लगा पिट रहा वहाँ 5-10% ही निकली तो क्या बोला था भाई दस अच्छा बता दे बातें क्या बोला था इंटर वाले भैया बताएं क्या बोला था कितनी मोहब्बत बहुत सारी में क्या परसेंटेज डिसाइड हुई नहीं ना इसका मतलब होनी चाहिए मोहब्बत होनी चाहिए लेकिन मैं ये नहीं बताता कितनी सारी होनी चाहिए ना जज साहब ने ये बोला है ना जज साहब ने ये बोला वकील को बिठा के वकील साहब तुम्हारे ब्रेकअप का मतलब ये थोड़ी है कि दूसरे को भी करवाओगे वहां क्या लिखा है डेफिनेशन पे आओ वहां क्या लिखा है कहानी वहीं से शुरू है वहीं खत्म है आज की यहां क्या लिखा है फौरा ये क्या लिखा है ना शेड्यू क्या लिखा है अब प्राइस कितना ये बताया मोहब्बत कितनी है कि नहीं बात राइट कितनी बस जितनी हो सके तो जितनी आपस जा रही है मोहब्बत है तुम्हारी हम तो उतनी मोहब्बत क्या मान लेंगे पूरी मान लेंगे अब हमारी मोहब्बत में आपसदारी में कितने रुपए निकले एक रुपया निकला ना 99% लड्डू निकले बाकी एक रुपये क्या निकला है ना कंसिडरेशन निकला जज साहब ने बोला वही मोहब्बत है बस 100% बार्टर ना हो क्योंकि अगर 100% बार्टर हो गया तो प्राइस नहीं मानेंगे फिर हमसे तो इसका मतलब बाकी दो सवाल इट इज ऑल्सो कवर इन प्राइस। अब ये जो केस है ना ये पहला केस पढ़ाया मैंने तुम्हें कौन सा वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी और ये मोहब्बत बस मोहब्बत होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए इसका कोई मसला नहीं है इस केस का नाम है शेल्टन वर्सेस इसके ऊपर लिख लेना बस मम्मी पापा को मत पढ़ाना तू ही बनना रोमियो पता लगा चांटा लग गया वहीं हाँ बस ये नहीं लिखना यही है बस मोहब्बत होनी चाहिए हाँ रिवीजन में लिख लेना पेपर में मत लिखना बस ना टेस्ट में लिखना ठीक है तो मोहब्बत का मतलब पता है क्या है यहाँ कंसीडरेशन कौन क्या बोला अच्छा मुझे लगा उसका नाम कह रहा साक्षी साक्षी नाम था ना उसका ओ भाई हिंदी में पेपर थोड़ी देना है मात्रा छोटी आ रही बड़ी आ रही है बात समझ में आ गई और आखिरी बात जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ भाई सेक्शन 10 के सारे एलिमेंट एज इट इज डिट्टो चिपका देने किसके ऊपर तो आज के हमने कितने केस पढ़े अब एक बात देखो सेल मतलब और एट द स्पॉट आप क्या कर रहे हो सेल कर रहे हो एग्रीमेंट टू सेल मतलब सेल जब ही होगी जब आप कोई कंडीशन पूरी कर दोगे तो ये चाहो तो आप छोड़ सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं मतलब बताया कि सेल क्या होता है और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है हाँ कई बार ये पूछ लेते हैं सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या बताओ डिफरेंस अब बहुत सिंपल सा डिफरेंस है मुझे समझना ध्यान से प्रॉपर्टी का मतलब क्या बताया मैंने तुम्हें आज सेल में ओनरशिप कब जाती है आज या कल तुरंत इमीडिएटली और एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप कब जाएगी पहले भाई बना ले फिर बिल निकाल लियो तो कब जाएगी सेल में रिस्क किसका बायर का तुम्हारे हाथ में गुड्स देते ही अब वो तुम्हारे हाथ में अंडे पकड़ा है फूट गए और चूजे तुम्हारे हैं किसके हैं हाँ अब तुम्हारे चूजे हैं अब वो है कि नहीं बात एग्रीमेंट टू सेल में क्या है अरे अंडे में जो निकलता है चूजा पेपर ICI के मेरे थोड़ी है पेपर तो ICI के हैं मेरे थोड़ी है और डिग्री भी ICI की है और डिग्री भी ICI की मेरी थोड़ी है कि नहीं बात रिस्क किसका हो गया बायर का अंडे फूटते तुम्हारा नुकसान लेकिन भाई तुमने बोला अंडे कल लूंगा
अब फूट गया उसकी दुकान में, तो फिर तुम्हारा तुम क्यों झेलोगे उस लॉस को? इसका मतलब जज साहब ने बोला जिसकी लाठी, यानी जिसका रिस्क उसी की ओनरशिप मानेंगे, उल्टा पढ़ लो, जिसकी ओनरशिप उसी का रिस्क। तो पहला और दूसरा पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिसकी ओनरशिप उसी का रिस्क। अगली बात, इस है ना रिस्क में अगर कोई लॉस हुआ तो लॉस किसका, और एग्रीमेंट टू सेल में लॉस किसका, तो यानी कि एक दो और पांच एक साथ पढ़ने हैं, सीक्वेंस में है, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क और जिसका रिस्क उसका लॉस, याद रखा डालो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क और जिसका रिस्क उसका लॉस, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क और जिसका रिस्क उसका नुकसान, बात खत्म, है ना, जो मालिक है ना उसी का रिस्क है और जिसका रिस्क है वही लॉस झेलेगा। बचपन की यादें, अगर वो सामान सेल हो चुका है तो उसे प्यार से क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था, और अगर फ्यूचर में सामान बिकना है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटरी। अब अपने लॉ की डिक्शनरी में एक नया शब्द ऐड करेंगे, जब भी अगर दुकानदार धोखा देगा, किसने धोखा दिया, दुकानदार ने तुम्हारे साथ धोखा कर दिया, मान लो भाई तुम सामान खरीद के गए, खराब निकला, घर जाके खराब निकला, बिस्किट का पैकेट लाए, बिस्किट नहीं बिस्कुट, बिस्कुट का पैकेट लाए, चूरा निकला वो पैकेट के अंदर, है कि नहीं बात, ना मेरे खाने लायक ना मेहमान के खाने लायक, तुम कह रहे हो भाई क्या कर रहा तू, चूरा निकला, सारे टूटे हुए निकल रहे हैं, है ना। तो ये बताओ, जब तुम दुकान पे वापस लड़ने जाओगे तो लड़ाई में मुद्दा क्या होगा, तो मुद्दा किस चीज का है, मेहमान का, ये भगवान कह रहा मेहमान गुस्सा है, बिस्किट का मुद्दा है क्या, कि जो लिया वो बेकार निकला, इसका मतलब क्या तुमने दुकानदार को चोक स्लैम दे दी, चोक स्लैम खाएगा तू, अब चोक स्लैम दे दी वहां दुकानदार को, तुमने दुकानदार को हाथ में लगाया, तुमने क्या बोला, पैसे निकाल इसके वापस, पैसे निकाल, खुले हुए पैकेट के पूरे पैसे देगा तू, टूटे हुए दे रहा तू, है ना, या फिर तू वो क्या बोले, अरे भैया क्या कर रहे हो, गुस्सा मत आओ, है ना, दूसरा ले जाओ, गुस्सा हो दूसरा ले जाओ, तो इसका मतलब तुमने लड़ाई किस पर लड़ी है, गुड्स पर, इसे बोलते हैं राइट अगेंस्ट द सेल, में हमेशा राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी होगी, मंगल ग्रह की भाषा में बोलते हैं जसिन रैम, क्या बोलते हैं बाबू, जसिन रैम। और अगर एग्रीमेंट टू सेल है और दुकानदार ने धोखा दे दिया, यानी केक ही ना बनाया तेरा, केक ही ना बनाया, तुम कह रहे यार बड़ा जी बात है, तेरे को मैंने ऑर्डर पे केक बनवाया था, तूने केक ही नहीं बनाया, अब तुम लड़ रहे हो, कह रहे हो भाई क्या चक्कर है, मैं कहाँ से लाऊंगा, फोटो वाला केक कहा था तुमने, फोटो वाले चलते ना, फोटो वाले मेरी फोटो होगी, मैं ही काटूंगा, मैं ही अपनी मुंडी काटूंगा, है कि नहीं बात, राइट, उसने केक ही नहीं बनाया, कह रहा भैया सॉरी भैया ये हो गया वो हो गया हो गया, बहुत सारे केक है बहुत अच्छे अच्छे कोई भी ले जा रहा है, कोई भी ले जाओ, तो मैंने ऑर्डर तो जो दिया था वो तो दे देता। अब एग्रीमेंट टू सेल में उसने काम पूरा नहीं किया, धोखा कर दिया, एग्रीमेंट टू सेल में धोखा, अब बताओ लड़ाई किस पे, अब लड़ाई गुड्स की है ही नहीं कि गुड्स बदल दे या गुड्स दे दे, अब लड़ाई किससे है, अब इंसान, अब उससे चोक स्लैम दी जाएगी उसे, यानी एग्रीमेंट टू सेल में क्योंकि गुड्स ही नहीं आते तो राइट अगेंस्ट द पर्सन लगता है, इसे हम बोलते हैं परसोनम, जस इन परसोनम, यानी जस मतलब राइट, इन मतलब अगेंस्ट, और परसोनम मतलब इंसान। अभी बात ध्यान रखना, सोनम गुप्ता व्यवसाय तो सोनम के पीछे लग गए, सोनम गुप्ता व्यवसाय ना भूल गए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन परसोनम में क्या वर्ड लगा हुआ है, पर्सन भी तो है, पराशिक लोगों को सोनम ही दिखेगी, लेकिन साथ में क्या है, पर्सन भी तो है, तो भैया जस इन परसोनम बिल्कुल आसान है क्या, जस इन परसोनम, पर्सन के आगे ए एम लगा देना, ठीक है, जस इन रैम, यहाँ रैम का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी, याद हो जाएगी बात, तो कई बार ये एग्जाम में आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। और अगर भाई सेलर ने अगर धोखा दिया है तुम्हारे साथ तो ये तुम्हारा राइट हो गया, है ना, राइट को ये बोलेंगे और ये बोलेंगे, पर उस राइट में मिलेगा क्या, तो पॉइंट नंबर 4 और 6 एक साथ पढ़ना है, उस राइट में मुझे मिलेगा क्या, तो तुम कहोगे भाई एक तो तू गुड्स दे, है ना, बिस्कुट वापस दे मेरा, नया पैकेट दे, और अगर वो नया पैकेट नहीं दे पा रहा तो पैसे के साथ साथ क्या ले सकते हो, हर जाना भी देश का, है ना, राइट, कैंसिल भी कर सकते,
ठीक है ना। और यहां पर तुम क्या ले सकते हो जैसे उसमें एग्रीमेंट टू सेल में ओनली गुड्स नहीं मांग सकते, क्या होगा सर डैमेजेस मांगोगे कि भाई देख तेरे भी ऐसे नुकसान हो गया मुझे नया खरीदना पड़ेगा, तो क्या करते तू डैमेज ले ले। और डैमेज तुम जानते हो बचपन से पढ़ते रहे, बोलो डैमेज कैसे निकालते थे हम, तो नलायक को एम टी माइनस। तुम कहोगे भाई देख मार्केट में अब वही केक है वही सामान इतने का मिल रहा है, तेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया था इतने का डिफरेंस दे दे बात खत्म डैमेजेस। और अगर कोई स्पेशल मुद्दा है हेडली वर्सेस बेक्सेंडेल टाइप का, तो तुम भैया स्पेशल डैमेजेस भी ले सकते हो। हाँ तो बताना पड़ेगा, बोलो भैया एज इट इज बिल्कुल टेबल बना के एज इट इज बेस सेल और एग्रीमेंट डिट्टो वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। आखिरी बात जो बहुत ही बच्चों वाली बात है, तुम्हारे घर में जो भी कार है वो ईएमआई पे चल रही होगी मोस्टली, है ना। कई लोग तो मोबाइल हो सकता है कि भाई तुमने किडनी ना बेची तुमने ईएमआई पे ले रखा हो आईफोन, है कि नहीं बात। तो जितना भी ईएमआई सिस्टम होता है, सुन लो ध्यान, जितना भी ईएमआई सिस्टम होता है वो उसे लीगल भाषा में हायर परचेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायर परचेज की खास बात क्या है? हायर परचेज की बाकी ईएमआई सिस्टम से खास बात ये होती है कि तुमने मान लो कार ईएमआई पे ली, 5 साल का लोन लिया, तो कितने महीने हो गए? 60 महीने, 59 मंथ तक ईएमआई चुकाने के बाद तुमने बोल दिया 60वें की ना दे रहा, बोल क्या कर लो ना दे रहा, तो क्या करेंगे बैंक वाले? नहीं कोलेटर तो कुछ है ही नहीं, कार ही मेरे नाम पे नहीं, कार ही बैंक के नाम पे, तो कार ले लेंगे वो, गाड़ी तो बैंक के नाम पे है ना, चला मैं रहा हूँ एज अ बेली, है ना, गाड़ी बैंक के नाम पे है, जैसी बैंक की सारी ईएमआई चुका दूंगा बैंक वो गाड़ी किसके नाम पे कर देगा? मेरे नाम पे कर देगा। बैंक कह रहे कोई बात नहीं गाड़ी दीजिए वापस। लेकिन तुम्हारे पास राइट है क्या आखिरी ईएमआई तक तुम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो? जज साहब ने बोला जिस भी ईएमआई सिस्टम में, जिस भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में आपके पास ये राइट आता है कि आप क्या कर सकते हो टर्मिनेट कर सकते हो एनी टाइम, वो दुनिया का सिर्फ एक ही सिस्टम है, उसे बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। और इसी को बोला गया ट्रू टेस्ट ऑफ हायर परचेज। क्या बोला गया? ट्रू टेस्ट ऑफ हायर परचेज इज राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एट इवन एट द लास्ट इंस्टॉलमेंट, नहीं दे रहा आखिरी इंस्टॉलमेंट, खत्म कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आ गई? राइट, ली वर्सेस बटलर से ये इस केस से हमारा ये बात सामने है। अब बस तुम्हें क्या करना है, एक दो पॉइंट में पढ़ा देता हूं। देखो यहां ओनरशिप इमीडिएटली चली जाती है, यहां बायर ओनर होता है, यहां जो तुम हो तुम, जिसने कार इंस्टॉलमेंट भी लिखी, तुम्हें क्या बोला जाएगा बेली, कि कार किसकी है बैंक की है। यहां सेल होगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट क्यों होगा? यहां टर्मिनेट कर सकते हो, यहां पोजीशन जाना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारे पास ओनरशिप हो लेकिन तुमने कहा अगले हफ्ते लूंगा, लेकिन लेकिन हायर परचेज में पोजीशन क्या होता है नेसेसरी होती है, भले लोन चला गया गाड़ी तो हो मेरे पास, लोन चल रहा है। यहां तुम रीसेल कर सकते हो क्योंकि तुम उसके ओनर होते हो तो आगे बेच सकते हो। यहां बैंक की गाड़ी होती है, तुम कैसे रीसेल कर दोगे गाड़ी बैंक की, तुम कैसे बेच दोगे, है ना। जीएसटी का पॉइंट छोड़ सकते हैं कोई बात नहीं, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर भी और यहां कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर भी या आखिरी इंस्टॉलमेंट भी, हर इंस्टॉलमेंट में भी जीएसटी क्या हो सकता है इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सेल एंड बेलमेंट में पढ़ लोगे होमवर्क, बेलमेंट में बताइए क्या होता है, है ना। अब एक बात देखो, मान लो तुमने अपना घर बनवाया, क्या बनवाया, ठीक है, जैसी गृह प्रवेश होने वाला था लेबर आके लेट गई, हम लेबर लेट गई, हमने बनाया हमारा है। तुम कह रहे हो भाई तुम्हें झटका सा लगा, भाई क्या बोल रहा है, दिमाग सहन नहीं कर पाया तुम्हें बात, क्या बोला तू, लेबर लेट गया, लेबर कह रही है हमने बनाया, हमने नहीं तो बना रहे हमारा है, तो तुम फिर यहां थोड़ी पड़ रहे होंगे, तुम कहीं घर बना रहे होंगे किसी का, तुम भी तो क्या कर रहे होंगे चिनाई कर रहे होंगे कहीं, क्योंकि चिनाई करने के बाद जब घर बन जाएगा तुम भी उससे क्या बोलोगे, मैंने बनाया मेरा है। तो ऐसा होता है, तो फिर लेबर ऐसा भी कह रही है हमने बनाया हमारा है, उसी को बोलते हैं
कॉन्ट्रैक्ट फॉर, तो सेल में तुम उसके मालिक होते हो, लेकिन वर्क फॉर लेबर में उसको सर्विस का पैसा मिलता है, वो उसका मालिक। ऐसे तुमने अपना है ना कोई गोल्ड चेन, गोल्ड की चेन दे दी, तुमने कहा गोल्ड की चेन को गोल्ड पिघला के क्या बना दे, अंगूठी बना दे, तो कह रहा मैंने बनाई मेरी हो गई, क्या कि नहीं बात आई, तो गोल्ड तो तुम्हारा ही है, उसकी नहीं हुई है, ये लिखी बात। तो क्वांटिटी ऑफ वर्क एंड लेबर में ओनरशिप नहीं जाती, सेल में ओनरशिप, ठीक है राइट। और ये बात आखिरी बात, हंसना नहीं, हंसने का नहीं। ये बताओ जूते दो पैसे लो, कवर होगा, आज जूते कल पैसे, सेल्स ऑफ यूनिट में नहीं, आज जूते कल पैसे हो जाएगा, आज पैसे कल जूते हो जाएगा, आज आधी डिलीवरी कल आधी पेमेंट हो जाएगा, आज पेमेंट और लेकिन डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में हो जाएगा, डिलीवरी और पेमेंट आज कर लो लेकिन गुड्स कल मिलेंगे, हो जाएगा। जो तुम्हारे दिमाग में चलता हो ना, ऐसे 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 खेलूंगा, वैसे खेल लो। सेक्शन 5 ने क्या बोला, सब कुछ क्या होता है, सेल्स ऑफ यूनिट में कवर है। तो पैसा आज कल इंस्टॉलमेंट कोई मैटर नहीं करता, सामान आज कल इंस्टॉलमेंट कोई मैटर नहीं करता, सब कुछ किसमें कवर होगा सर, सेल्स ऑफ यूनिट में कवर होगा। बोलो समझ गए सर, टाटा बाय बाय टेक केयर। सर इसी का इंतजार था, सर इसी का इंतजार था।